जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। के बारे में है कि लेने वाला और देने वाला दोनों जानते हैं। पिछले दिनों मेरे साले का ऑपरेशन था सिविल हॉस्पिटल में, तो वो अंदर जाने के लिए 3-4 दरवाजों से मैंने कोशिश की लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। वो फिर एक गार्ड को 100 रुपये दिए तो उसने अंदर जाने। अब वो उसके पास तो 100 रुपये आ गए, मेरी मजबूरी भी थी और मेरा 100 रुपये का नुकसान भी हुआ और जाने भी। वो इस बात के दो जवाब हैं रिश्वत के बारे में। देखिये, मुलाकात का जब वक्त होता है तो तब हम नहीं जाते। अगर हम तब नहीं जाएं और जब मुलाकात पर पाबंदी है, डॉक्टर्स के विजिट हैं, तो उस वक्त जाएं और हम रिश्वत चलाएं तो फिर हम भी बराबर के गुनाहगार हैं। ऑपरेशन हो रहा है भाई, ऑपरेशन होना है या कुछ भी होना है, मैंने तो अल्लाह ताला की शरीयत पर मसला बताना है। ममनुआ औकात में आप मत जाएं, मुलाकात के औकात में जाएं, तो ममनुआ औकात में आप पैसे चलाएंगे तो आप भी बराबर के गुनाहगार होंगे। दूसरा मसला, रिश्वत लेने के लिए जो राशि है ना, वो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि रिश्वत जो है वो इंसान को देना पड़ती है। सुभान अल्लाह, मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मैंने उसकी तजदीद करवानी थी, रिन्यू करवाना था, एक्सपायर हो चुका था। अब मैं गया, जब गया हूं तो उसने देखा कि ये मौलवी साहब हैं, टोपी सर पे रखी है, सलवार ऊपर है, तो उसने कहा इसने कुछ नहीं देना, मुझे खड़ा कर दिया। ये बड़े सब्र आजमा मरहले हैं। मैंने सारी जिंदगी कभी अपने स्टेटस को दुनियावी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया कि मैं कहूं जी मैं मौलवी हूं, जी मैं फर्स्ट, तो अल्लाह ने मुझे कहना है कि तूने दीन का बदला दुनिया में ले लिया, मेरे पास अब लेने क्या है। मैं लाइन में लगता हूं, वल्ला सर से टोपी उतार देता हूं, पॉकेट में डाल लेता हूं कि मुझे कोई पहचाने भी ना। कई लोग हैं वो पहचान लेते हैं, आफिस साहब तुम इतने क्यों खलोते हो, मैं थोड़ी जगह से खलो जाना। नहीं, अच्छा पहले तो उसने मुझे बड़ा वक्त खड़ा किया। अब 200 रुपया जो है ना उसने हर बंदे से वो ले रहा था, तो उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए। मैंने कहा तू तीर आजमा, मैं जिगर आजमाऊ, तू कर जो करना है, मैं सब्र करूंगा। लो जी सुबह का गया हुआ, 12 बज गए, 2 कहता है फिर लगता है तुसा कोई शय नहीं देनी। मैंने कहा जी इरादा यही है कि कोई चीज नहीं, 4-6 घंटे से अगर मैं जहन्नम की आग से बचता हूं तो सौदा सस्ता है। ठीक है, यानी कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम बनाते हैं। मेरे दोस्त बैठे हैं मुश्तबा साहब, उन्होंने भी रिन्यू करवाना था, कहते मेरे तो खूब चक्कर लगवाए ना, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, फिर उन्होंने भी खर्चा नहीं दिया, उनके फिंगरप्रिंट नहीं किए, फार्म दे दिया, जा खजल हुंदा, फिर उनको दोबारा 6-12 जाना पड़ा। तो ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि आमो खास और मौलवियों को भी रिश्वत देना पड़ती है। ये हालात हैं, अल्लाह ताला इन जालिमों को हिदायत नसीब फरमाए।